ये है ब्रिटिश एम्पायर का 1914 का मैप, और ये जितना एरिया आपको रेड कलर में दिख रहा है ये सब उस टाइम पर ब्रिटिश एम्पायर का पार्ट था। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड से लेकर इंडिया, साउथ अफ्रीका और नॉर्थ अमेरिका तक ब्रिटिशर्स का रूल था। इसलिए तब ऐसा कहा जाता था कि अंग्रेजों के राज में कभी सूरज नहीं डूबता है। लेकिन ब्रिटिशर्स को इतनी सारी टेरिटरी सिर्फ पीसफुली हासिल नहीं हुई, इसके लिए उन्होंने कितनों को मारा, कितनों को जेल में डाला और कितनों लोगों को गुलाम बनाया, और इसका अंदाजा लगाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। YouTube पर कई वीडियोस मुझे मिले जिनमें कहा गया कि ब्रिटिशर्स के सक्सेस होने का रीजन ब्रिटेन की ज्योग्राफिकल पोजीशन और पावरफुल नेवी थी, लेकिन उन वीडियोस में ब्रिटिशर्स के उन डार्क पॉलिसीज के बारे में नहीं बताया गया जिनके वजह से ही ब्रिटिश एम्पायर इतना बड़ा बन पाया। तो आज मैं आपको ब्रिटिशर्स के उन्हीं डार्क पॉलिसीज के बारे में बताऊंगा जिनके वजह से उन्होंने दुनिया के इतने बड़े हिस्से पर राज किया। इस वीडियो के स्क्रिप्ट को प्रिपेयर करने में हमने AI की मदद ली है, जिससे हमारा काम रिलेटिवली आसान हो गया, और AI कितना इम्पोर्टेंट है ये आप सबको पता है। AI में आप अपना करियर बना सकते हैं और अपने कोडिंग जर्नी को आसान बना सकते हैं। और अगर आप अभी 12th में हो या जस्ट 12th पास आउट हुए हो और आप इंजीनियरिंग में अपना करियर बनाना चाहते हो, तो आपको एक अच्छे कॉलेज की जरूरत पड़ने वाली है, और इसमें आपकी मदद करता है न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी, जहाँ पे फर्स्ट ईयर से ही आपके कोडिंग फाउंडेशन को मजबूत बनाया जाता है। इसी एडवांस करिकुलम के चलते NST के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को एवरेज 30K पर मंथ का स्टाइपेंड मिल रहा है। इवन एक स्टूडेंट को गूगल समर ऑफ कोड में इंटर्नशिप लगी, इन विच शी विल बी अर्निंग 1.2 लाख का स्टाइपेंड। बस यही नहीं, NST का एक स्टूडेंट हार्वर्ड एशिया कॉन्फ्रेंस में सिलेक्ट हुआ, एंड एक स्टूडेंट इंडिया को विकिमीडिया हैकाथॉन यूरोप में रिप्रेजेंट करने जा रही है। फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स AI पावर्ड ड्रोन्स, AI ट्रेवल प्लानर्स, जेस्चर कंट्रोल्ड व्हील चेयर्स बना रहे हैं। जब स्टूडेंट्स को अमेजोन और माइक्रोसॉफ्ट प्रोफेशनल्स मॉनिटर करते हैं तो ये सब तो होना ही था। इन सब के चलते इस कॉलेज की डिमांड इतनी ज्यादा इंक्रीज हो गई कि अब इन्होंने दिल्ली के सिवा अपना एक 100-acre कैंपस पुणे में भी लॉन्च किया है। तो अब न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी के दो कैंपस हैं, वन इन पुणे एंड वन इन दिल्ली। न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी में पढ़ने के लिए आपको इनका एंट्रेंस टेस्ट ऑल इंडिया NSAT एग्जाम देना होगा, जो कि 6 जुलाई को होने वाला है। तो जल्दी से इनकी वेबसाइट चेकआउट करो और रजिस्टर करो, क्योंकि इसके स्कोर्स के बेसिस पे आपको 100% तक स्कॉलरशिप मिल सकती है। एंड अगर पहचान में कोई इंजीनियरिंग करने जा रहा है तो ये इन्फॉर्मेशन उनसे भी जरूर शेयर करो। रजिस्ट्रेशन के जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन और पिंड कमेंट में मिल जाएंगे। शुरू करने से पहले जरा एक दो बातें समझ लेते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को ब्रिटेन, UK और इंग्लैंड में क्या अंतर है इसकी जानकारी नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है ब्रिटेन का मैप। ब्रिटेन असल में एक पॉलिटिकल नहीं बल्कि ज्योग्राफिकल टर्म है। इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स तीनों कंट्रीज को मिलाकर आइलैंड बनता है, उसको ग्रेट ब्रिटेन कहा जाता है। वहीं पे यूनाइटेड किंगडम एक कंट्री का नाम है जो कि इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और नॉर्दर्न आइलैंड को जोड़कर बनती है, और जब इसमें रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड को भी कंबाइन कर दे तो उसको ब्रिटिश आइल्स कहा जाता है। 1921 के पहले जब आयरलैंड इंडिपेंडेंट हुआ करता था, तब इन सभी कंट्रीज को मिलाकर यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड कहा जाता था। जनरली इन चारों कंट्रीज के यूनियन को लोग आम बोलचाल की भाषा में ब्रिटेन ही कहते हैं, इसलिए मैं भी ब्रिटेन वर्ड का ही इस्तेमाल करूंगा। तो इस सब की शुरुआत होती है लेट 15th century में। ये वो टाइम था जब यूरोप की बड़ी बड़ी पावर्स जैसे कि स्पेन, फ्रांस और नीदरलैंड्स दुनिया भर को एक्सप्लोर कर रही थी और अपने कॉलोनीज को डेवलप कर रही थी। तो ब्रिटेन ने सोचा कि भाई हम लोग पीछे क्यों रहे। 1584 में वॉल्टर रैली नाम के एक इंग्लिश एक्सप्लोरर 500 आदमियों के साथ नॉर्थ अमेरिका के रोनोक आइलैंड पर पहुंचता है और वहां पर कॉलोनी बसाने की पहली कोशिश करता है, लेकिन वो फेल हो जाता है। इसके बाद 1607 में ब्रिटेन की लंदन कंपनी अमेरिका के वर्जीनिया में जेम्सटाउन नाम की जगह पर कॉलोनीज को सेटअप करती है। उस टाइम पर जेम्सटाउन में ऑलरेडी 30,000 एंग्लोक्वेन लोग रहते थे जो वहां के लोकल ट्राइब्स थे। हालांकि ब्रिटिशर्स को अमेरिका में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और जेम्सटाउन कॉलोनी में उनके 1700 लोगों में से सिर्फ 351 लोग ही जिंदा बच पाते हैं, और बाकी 1349 लोगों की या तो भुखमरी से या फिर किसी बीमारी के कारण मौत हो जाती है। और मानो ब्रिटिशर्स का अमेरिका में कॉलोनी बसाने का सपना टूटने ही वाला था कि डूबते को तिनके का सहारा मिल जाता है, और ब्रिटिशर्स के लिए ये सहारा था टोबैको। वैसे तो नॉर्थ अमेरिका के रीजन में तंबाकू की खेती 1400 से 1000 BC से ही होते आ रही थी, लेकिन यूरोपियंस जब अमेरिका पहुंचे तो टोबैको की पॉपुलैरिटी बहुत तेजी से बढ़नी शुरू हो गई थी और इसको एक ट्रेड आइटम के तौर पर यूरोप में एक्सपोर्ट किया जाने लगा। अब क्योंकि तंबाकू से नशा होता था, इसलिए यूरोप में पहुंचते ही इसकी पॉपुलैरिटी बहुत तेजी से बढ़नी शुरू हो गई।
और तंबाकू की पॉपुलैरिटी बढ़ने के साथ साथ वर्जीनिया की पॉपुलेशन भी बढ़ने लगी। और वर्जीनिया में रहने वाले वो इंग्लिश लोग जो कभी भुखमरी से मरने वाले थे, अब वो तंबाकू बेचकर मालामाल हो चुके थे। 1622 तक वर्जीनिया में सेटल होने वाले लोगों का नंबर 400 से बढ़कर 1240 हो गया। लेकिन इसी वर्जीनिया में रहने वाले लोकल ट्राइब्स को परेशानी होने लगी और इसलिए उनके और ब्रिटिशर्स के बीच में लड़ाइयां होने लग गई, जिसके चलते लंदन कंपनी जिसने वर्जीनिया में कंपनी बसाई थी वो बैंक्रप्ट हो गई और वर्जीनिया का पूरा कंट्रोल ब्रिटेन के राजा के हाथों में चला गया। खैर, इसके बाद 17th सेंचुरी में ब्रिटिशर्स ने अमेरिका में शुगर प्लांटेशन भी करना शुरू कर दिया, लेकिन इसके लिए उन्हें काम करने वाले नौकरों की ज़रूरत थी। इसके लिए फिर उन्होंने अफ्रीका से 3.5 मिलियन स्लेव्स को अमेरिका में ट्रांसपोर्ट किया और इसमें से बहुत सारे स्लेव्स को ब्रिटिशर्स की रॉयल अफ्रीकन आर्मी ने कैप्चर किया था और बाकी स्लेव्स को मेडागास्कर से लाया गया था। 400 सालों में अफ्रीका से अटलांटिक में 12 मिलियन के करीब स्लेव्स को भेजा गया, जिसमें से 3.5 मिलियन अकेले ब्रिटिशर्स ने ही भेजे थे और इसमें सिर्फ 2.7 मिलियन ही जिंदा बच पाए और बाकी 8 लाख स्लेव खराब कंडीशन के चलते मारे गए। और ये सिर्फ एक एस्टिमेटेड नंबर है, असलियत में जो आंकड़े हैं वो इससे भी कई ज़्यादा होंगे। खैर, इसके बाद ब्रिटिश का कारोबार नॉर्थ अमेरिका में काफ़ी अच्छा चला और धीरे धीरे ट्रेड के नाम पे उन्होंने अमेरिका में अपनी प्रेजेंस को मजबूत करना शुरू कर दिया। 17th सेंचुरी में अमेरिका में तीन मेन पावर्स थी, ब्रिटेन, स्पेन और फ्रांस। ब्रिटिशर्स के पास भले ही नॉर्थ अमेरिका का बहुत बड़ा हिस्सा था, लेकिन वो उसे और ज़्यादा एक्सपेंड करना चाहते थे। इसी चक्कर में उन्होंने फ्रेंच टेरिटरीज में घुसना शुरू कर दिया, जिस वजह से फ्रेंच भड़क गए और दोनों के बीच में एक वॉर स्टार्ट हो गया, जिसको सेवन ईयर्स वॉर या फ्रेंच एंड इंडियन वॉर के नाम से जाना जाता है। इंडियन इसलिए कहते हैं क्योंकि उस टाइम पर वेस्ट इंडीज़ में ब्रिटिशर्स का कंट्रोल था। इस वॉर में ब्रिटेन की साइड में था प्रूशिया और फ्रांस की साइड में था स्पेन, लेकिन आखिर में ब्रिटिशर्स ये वॉर जीत जाते हैं। लेकिन इस वॉर में ब्रिटिश एम्पायर को भारी नुकसान हुआ और उनके ऊपर काफ़ी डेप्थ भी हो गया, वो कर्ज में चले गए, जिसकी भरपाई करने के लिए उन्होंने अपनी अमेरिकन कॉलेज में जो लोग रहा करते थे उनके ऊपर टैक्सेस लगाना शुरू कर दिया। शुगर एक्ट, स्टैम्प एक्ट और टाउनशेंड एक्ट जैसे कई कानून बनाए गए ताकि अमेरिकन से टैक्स के रूप में पैसा वसूल किया जा सके। लेकिन आखिर में ब्रिटिशर्स की तानाशाही से तंग आकर 1765 में अमेरिकन कॉलोनीज के लोगों ने ब्रिटिशर्स के खिलाफ रिवॉल्ट शुरू कर दिया। 18 साल की लड़ाई और 25,000 से भी ज़्यादा लोगों की मौत के बाद अमेरिका को ब्रिटिशर्स से इंडिपेंडेंस मिल गई और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जन्म हुआ। इस लड़ाई में फ्रांस के 2000 और स्पेन के 6000 सोल्जर्स भी मारे गए जो अमेरिकन्स की तरफ से लड़ रहे थे, और इसमें ब्रिटिश एम्पायर की तरफ से लड़ रहे 15,000 लोग मारे गए। हालांकि नॉर्थ अमेरिका का आधा हिस्सा जो कि अभी कनाडा कहलाता है वो ब्रिटेन के पास था, लेकिन फिर भी उनकी जो भूख थी वो शांत नहीं हुई थी। और अब इनका अगला शिकार था ऑस्ट्रेलिया। ब्रिटेन की जीडीपी का 40% यूनाइटेड स्टेट्स की कॉलोनीज में आता था, लेकिन जब यूनाइटेड कॉलोनीज हाथ से चली गई तो उन्हें दूसरी जगह कॉलोनी सेटअप करने के लिए मजबूर होना पड़ा, और तभी उनकी नज़र पड़ती है ऑस्ट्रेलिया के ऊपर। ऑस्ट्रेलिया के कोस्ट को 1606 में डच ने डिस्कवर किया था, लेकिन वहां पर कोई भी यूरोपियन कॉलोनी अभी तक नहीं बनाई गई थी और ब्रिटिशर्स ये सुनहरा मौका छोड़ने वाले नहीं थे। 1770 में जेम्स कुक नाम का ब्रिटिश एक्सप्लोरर ऑस्ट्रेलिया पहुंचा और उसने ऑस्ट्रेलिया को ब्रिटेन के लिए क्लेम कर लिया और उसको नाम दिया न्यू साउथ वेल्स। मतलब आज अगर आपको किसी शहर में 100 गज का प्लॉट खरीदना हो तो 10-15 लाख देने पड़ेंगे, लेकिन ब्रिटेन के जेम्स कुक ने 76,88,287 किलोमीटर स्क्वायर का एक पूरा कॉन्टिनेंट बिना वहां के लोगों के परमिशन के ब्रिटेन के लिए क्लेम कर लिया। ब्रिटिशर्स ने ऑस्ट्रेलिया को कैप्चर करने से पहले वहां के लोगों से भी कोई ट्रीटी साइन नहीं करवाया, क्योंकि उन्हें लगा कि ये गंवार लोग हैं, ये ट्रीटी वगैरह साइन करने के लायक नहीं है। इसके बाद वही हुआ जो होना था, ऑस्ट्रेलिया की लोकल ट्राइब्स ने अंग्रेजों की कॉलोनाइजेशन का विरोध किया। वहाँ पर ब्रिटिश और ऑस्ट्रेलियंस के बीच लड़ाइयाँ शुरू हो गई, लेकिन मॉडर्न हथियारों से लैस ब्रिटिशर्स के सामने बेचारे ऑस्ट्रेलियंस क्या ही कर पाते। ब्रिटिशर्स के लिए ऑस्ट्रेलिया बहुत प्रॉफिटेबल साबित हुआ। ऑस्ट्रेलिया से गोल्ड और वुल एक्सपोर्ट करके ब्रिटिशर्स ने अच्छी खासी कमाई शुरू कर दी। लेकिन ब्रिटिशर्स यहीं नहीं रुके, इसके बाद वो न्यूजीलैंड पहुंचे और उसको भी ब्रिटिश एम्पायर के लिए क्लेम कर लिया। पहले वहाँ के लोकल लोग जिनको मौरी कहते हैं उनके साथ ट्रेड करना शुरू किया और उसके बाद 1840 में उन लोगों से एक ट्रीटी साइन करवाई, जिसको कि ट्रीटी ऑफ वेटांगी कहा जाता है। इस ट्रीटी को पहले इंग्लिश में लिखा गया और फिर इसको लोकल मौरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया, लेकिन ब्रिटिशर्स ने जो चीज़ें इंग्लिश टेक्स्ट में लिखी वो मौरी ट्रांसलेशन में साफ साफ नहीं लिखी, यानी कि ट्रीटी के दौरान मौरी लोगों से या तो कुछ बातों को छिपाया गया या उनसे झूठ बोला गया।
जैसे कि ट्रीटी के आर्टिकल फर्स्ट में जो मौर्य टेक्स्ट में लिखा था उसमें कहा गया कि ब्रिटिश क्वीन को न्यूजीलैंड पर सिर्फ गवर्नेंस का अधिकार मिलेगा, जबकि इंग्लिश टेक्स्ट में लिखा गया था कि न्यूजीलैंड की संप्रभुता पर पूरा अधिकार ब्रिटेन की क्वीन का होगा। इस चालबाजी की वजह से ब्रिटिशर्स और मौरी के बीच रिलेशंस खराब हो गए और उनके बीच डिस्प्यूट्स शुरू हो गए जो कि काफी लंबे समय तक चला। इसके बाद इनकी नजर पड़ती है हमारे प्यारे देश भारत के ऊपर। तो अब जरा उस कंट्री की बात कर लेते हैं जिसने ब्रिटिशर्स की वजह से सबसे ज्यादा नुकसान उठाया, हमारा प्यारा देश भारत।